आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में जो कि परफेक्ट 11 टीम बताने वाला हूँ मैं, जो वेस्ट इंडीज़ वुमेंस और पाकिस्तान वुमेंस के बीच में खेले जाने वाला है आज मैच। वो मैच खेले जाने वाला है लेसेस्टर में, जहाँ की पिच वो काफ़ी मतलब बैट्समैन के लिए तो इतना फ़ायदेमंद होगी नहीं, बॉलर्स के लिए मेरे ख्याल से कुछ मदद कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आप तीन ज़्यादा से ज़्यादा तीन ऑलराउंडर के साथ जाए तो टीम के साथ तो बेहतर होगा, जिससे आपको फ़ायदा बहुत होगा, लीग जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। सो चलिए शुरू करते हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारे लिए परफेक्ट 11 कौन सी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने एक टीम तैयार की ऑलरेडी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी बड़े लीगों में भी और छोटी लीग में भी। तो चलिए उस टीम को अभी देख लेते हैं। मैंने इस टीम में लिया है एज ए विकेट कीपर मेरी साह को लिया है, जो कि जिसने लास्ट मैच में बहुत अच्छे रन बनाए थे। एज़ कम्पेयर टू सिद्रा नवाज, सिद्रा नवाज भी छः छठे सातवें नंबर पे आती है, लेकिन उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करती हो, इसलिए मैं मेरी साह के साथ जाऊंगा, जो कि अच्छी बैटिंग भी करती है, विकेट कीपिंग कीपिंग भी अच्छी करती है। बैट्समैन की बात करें तो मैंने पाकिस्तान के दो बैट्समैन लिए, जवेरिया खान और नहीदा खान, दोनों के अच्छी बैट्समैन, दोनों अच्छी बैट्समैन हैं। बाद में मैंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से नेशन को लिया है, जो कि मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा खेलते हैं। नाइट को लिया है, जो कि ओपनिंग में आती है और अच्छा खेलती भी है। इस तरह से मैंने चार बैट्समैन लिए, दो पाकिस्तान की ओर से और दो वेस्ट इंडीज़ की ओर से। ऑलराउंडर की बात करें तो मैं मैथ्यूज़, इकबाल और टेलर के साथ जाऊँगा। टेलर जैसे आपको पता होगा वो भी काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है, विकेट्स भी लेती है, एक दो 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 से तीन विकेट्स लेती है, बैटिंग भी अच्छी करती है। मैथ्यूज जो ओपनिंग में आते हैं वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। इकबाल पाकिस्तान की ओर से बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होंगे आपके लिए ऑलराउंडर की तरफ से। बॉलिंग साइड देख ले तो बॉलिंग साइड में मैंने अनिसा को लिया है, अनिसा मोहम्मद को, जिसने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे और उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी, तो अनिसा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बाद में नशरा संधू पाकिस्तान की ओर से, जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है मैच में, लास्ट मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया था, उससे पहले मैचेस में उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो नशरा संधू इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और दूसरा बॉलर पाकिस्तान की ओर से मैंने लिया है इम्तियाज़ को। इम्तियाज़ की जगह आप फ्लेचर को भी ले सकते हैं वेस्ट इंडीज़ की ओर से, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ तो। ऑप्शन फ्लेचर अच्छा है, इम्तियाज़ भी अच्छा है, लेकिन अगर आप बड़ी लीग में जाना चाहते तो इम्तियाज़ के साथ जाइए। इस तरह से हमने ड्रीम इलेवन चूज़ की हमारी। तो अभी देखिए बारी आती है कि वाइस कैप्टन और कैप्टन की। कैप्टन और वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से ऑलराउंडर को किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिसेस्टर की पिच देखी जाए जो कि बॉलर के लिए अच्छी है, बैट्समैनों के लिए इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑलराउंडर ही बेहतर रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो मैंने यहाँ पर कैप्टन स्टेफनी टेलर को किया है और वाइस कैप्टन इकबाल को किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन साबित होंगे मेरे ख्याल से। अगर आप चाहते तो आप अपने हिसाब से कुछ बैट्समैन को भी कैप्टन कर सकते हैं, जैसे कि नेशन हुए जो कि मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छी तरह से खेलती है, और नहीदा खान वो भी अच्छी खेलती है, तो दोनों में से आप किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाए तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। तो चलिए सेव टीम कर लेते हैं और एक बार मैं आपको टीम प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया एक विकेट कीपर को मेरिसा को लिया है, बैट्समैन में पाकिस्तान की ओर से नहीदा खान और इकबाल और जवेरिया खान को लिया है मैंने। ऑलराउंडर में मैंने लिया है स्टेलर मैथ्यूज़ और इकबाल को लिया है। बैट्समैन की वेस्ट इंडीज़ की बैट्समैन बोले तो नेशन और नाइट को लिया है, और बॉलिंग साइड में हमने दो पाकिस्तान के और एक वेस्ट इंडीज़ प्लेयर लिए, जो कि वेस्ट इंडीज़ का अनिसा मोहम्मद है और संदोर इम्तियाज़ जो पाकिस्तान की ओर से खेलेंगे। अगर इसमें कोई बदलाव होंगे तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको मैं बता दूंगा।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्लिक किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कम से कम 100 लाइक तो आने चाहिए दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसका कुछ ना कुछ तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए एज अ इन टर्म्स ऑफ लाइक्स। सो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।